आज हम बात करेंगे प्रकाश झा निर्देशित फिल्म जय गंगाजल की। प्रकाश झा उन फिल्म निर्देशकों में से हैं जिनका सिनेमा मुद्दा आधारित होता है। पुलिस बनाम भ्रष्ट सिस्टम को लेकर उन्होंने गंगाजल फिल्म बनाई थी। एक बार फिर वे उसी ओर मुड़े हैं और नाम भी मिलता जुलता रखा है, जय गंगाजल। एसपी आभा माथुर की पोस्टिंग बांकीपुर जिले में की जाती है, जहां विधायक बबलू पांडे का दबदबा है। पुलिस उसकी जेब में है और वह मन चाहे तरीके से अपना काम करता है। उसका छोटा भाई किसानों से जोर जबरदस्ती कर जमीन खरीद रहा है ताकि वहां पर पावर प्लांट खुल सके। भ्रष्ट सिस्टम और पांडे ब्रदर्स की दादागिरी को देख आभा का खून खौल उठता है। वह अकेली इन ताकतवर नेताओं से भिड़ जाती है। और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। प्रकाश झा ने स्क्रीन प्ले लिखा है जो कि बेहद रूटीन है। इस तरह की कहानी दर्शक कई बार देख चुके हैं। उन्होंने ईमानदार पुलिस बनाम बेईमान पुलिस, पुलिस और राजनेताओं की साठगांठ और किसानों की आत्महत्या वाले मुद्दों पर रोशनी डाली है। किसानों वाली बात बेहद सतही है। पहले हाफ तक स्क्रिप्ट ने फिल्म को संभाले रखा है, लेकिन दूसरे हाफ में स्क्रिप्ट की कमियां उभर कर सामने आती है और फिल्म बिखर जाती है। कुछ संवाद जरूर सुनने लायक हैं। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। निर्देशक के रूप में प्रकाश झा ने फिल्म को कुछ ज्यादा ही लंबा बना दिया है। प्रसंगों को खींचा गया है। एडिटर को यदि वे छूट देते तो फिल्म आधे घंटे तक छोटी की जा सकती थी। झा के काम में जल्दबाजी नजर आती है और कई जगह उन्होंने छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें अपने प्रस्तुतिकरण पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनकी इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि दर्शकों की रुचि जरूर वे फिल्म में बनाए रखते हैं। हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। और बहुत काम करती हैं आप। सर, आपने अपने जिले की जिम्मेदारी दी है तो आपने हमारा ही पत्ता काटने की ठान ली। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा जमी है। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आती है। एक्शन सीन में भी वे अच्छी लगी हैं। बीच बीच में उनकी कमी भी महसूस होती है। प्रकाश झा का अभिनय देख लगता ही नहीं कि वे पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। फिल्म में उनका रोल सबसे लंबा और उतार चढ़ाव लिए हुए है। मानव कौल, मुरली शर्मा, राहुल भट्ट सहित तमाम कलाकारों ने अपना अपना काम अच्छे से निभाया है। जय गंगाजल जैसी फिल्म बनाना प्रकाश झा के लिए बेहद आसान है। जरूरत है कि वे कुछ नया और बेहतर करें, क्योंकि तभी वे अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएंगे। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।